Here Shahid Ali for MDCAT Biology. Today's topic is about biological molecules. Biological molecules को यहाँ दो portions के अंदर divide किया गया है. तो first year chapter number 2 या different books में different scenario है उसका. तो यहाँ cell biology, biological molecules उसका पोर्शन वन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे देखे जाएंगे. कंपैरिजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन द ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ख़ास तौर पे, इसमें क्या सिलसिला है. देन यहाँ देखा जाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. फिर आगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, स्पेशली इसके अंदर यहाँ डिस्कस किया जाएगा अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमारा आज का लर्निंग आउटकम्स हैं. वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले जो हमारा लर्निंग आउटकम के अंदर कंसर्न है, डेट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि जानदार की बॉडी का हिस्सा होते हैं. बेशक जानदार की बॉडी ऑर्गेनिक है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मकदार के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल है. तो 70% डेट इज़ वाटर. आगे हम देखेंगे कि ये मीडियम ऑफ लाइफ है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा मकदार के अंदर होना ज़रूरी था, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस और बाकी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी था. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती हैं. देन ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जो कि सारे मिलाकर 30%, तो हाफ से भी कम. जबकि यहाँ 70% जो है वो पानी पाया जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन डबल से भी ज़्यादा होती है. जब ये जो ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल हैं, ये डायरेक्टली जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं. तो आगे देखते हैं, यहाँ हमारे पास एक कंपैरिजन दिया गया है कि मुख्तलिफ जानदारों के अंदर, ख़ास तौर पर बैक्टीरियल और मैमिलियन सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो इसके अंदर एक एनालिसिस दिया गया है. इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग पानी जो है वो दोनों के अंदर यहाँ सेम दिखाया गया है, 70%. प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल में एग्जैक्टली 50% हैं, इनके एग्जैक्टली हाफ हैं, जबकि यहाँ मैमिलियन सेल के अंदर ये 18% हैं, थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा है. अच्छा, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% है, मैमिलियन सेल के अंदर 4%, लिपिड्स 2% एंड 3%. डीएनए और आरएनए जो है ना, यहाँ इनका परसेंटेज अकॉर्डिंग टू सेल, को अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल चूँकि छोटा है इसलिए यहाँ परसेंटेज ज़्यादा आएगी, मैमिलियन सेल चूँकि बड़ा है इसलिए यहाँ परसेंटेज कम आएगी. तो ये कंसर्न है, डीएनए यहाँ 1% है, मैमिलियन सेल यहाँ 0.25%, जबकि आरएनए 6% और 1.1% इन द मैमिलियन सेल. देन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस लाइक सोडियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम 1% इक्वल अमाउंट के अंदर. देन अदर मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, मेटाबोलाइट्स 2% यहाँ पे इनकी परसेंटेज को दिया गया है. इसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ एक डेफिनेशन जिसके बारे में हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द सेल, स्पेशली इन द सेल, नॉट आउटसाइड द सेल. जब आउटसाइड का सेल होगा तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. तो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन अ सेल इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ये मेटाबॉलिज्म दो किस्म का है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. तो इसमें जो कैटाबॉलिज्म है, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस और सिंपल वंस, जबकि एनाबॉलिज्म इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल यूनिट्स. कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है. कैटाबॉलिज्म एक्सोथर्मिक है, जबकि एनाबॉलिज्म एंडोथर्मिक है.
सेलुलर रेस्पायरेशन कैटाबॉलिज्म की मिसाल है और एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस। इसी तरह और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर, जैसे ग्लाइकोजन का बनना, सेलुलोज का बनना, ये सारे एनाबॉलिज्म है और इनका टूटना जो है ना वो सारे कैटाबॉलिज्म के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। फिर यहाँ एक एक कंसर्न आता है सामने, कंडेंसेशन, कंडेंस करना, छोटे छोटे काफ़ी सारों को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना देना, इसे हम कंडेंस करना कहते हैं। तो ये कंडेंसेशन जो है, इसके दौरान रिमूवल ऑफ वाटर जो है ना वो होगा। जब दो चीज़ों को जोड़ा जाए और रिमूवल ऑफ वाटर हो तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जबकि हाइड्रोलिसिस इसी का ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करवा के, ऐड करवा के यहाँ जो है ना किसी चीज़ को तोड़ा जाएगा। एक होता है सप्लिटिंग, सिंपली पानी के एडिशन के बगैर किसी चीज़ को तोड़ा जाए वो सप्लिट होता है, जबकि हाइड्रोलिसिस के दौरान पानी का मॉलिक्यूल जो है उसे ऐड किया जाएगा। अच्छा जी, कंडेंसेशन के दौरान OH एक मोनोमर से आएगा, H दूसरे मोनोमर से आएगा, जबकि हाइड्रोलिसिस के दौरान सेम कहानी होगी, OH एक मोनोमर का जाएगा, H जो है ना वो सेकेंड वन मोनोमर को जाएगा। इसलिए कंडेंसेशन को तो हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसके दौरान जो है ना किसी भी चीज़ को जोड़ा जाएगा और पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलिसिस ही होते हैं असल में, जो कि अमाइलेज एंजाइम, लिपेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम्स इन पर बेस कर रहे होते हैं, इनकी मदद से ये रेगुलेट हो रहे होते हैं। देन यहीं पर इसी चीज़ का एक और पहलू भी दिखाया गया कि पॉलीमर्स जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोमर्स जो कि इनके यूनिट्स होते हैं और आमतौर पर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पॉलीमर्स लाइक पॉलीसेक्राइड, इसका मोनोमर है मोनोसेक्राइड, ये टर्म्स का हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये कंपैरेटिव एनालिसिस में भी आ जाता है कि कौन सा दूसरों से डिफरेंट है। जैसे पहले तीन वो कह दें आपसे कि पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड ये इसका मोनोमर है, इसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो पॉलीपेप्टाइड इसका मोनोमर है, अमीनो एसिड पॉलीसेक्राइड का जो मोनोमर है इसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, इसी तरह टर्पिनॉइड का जो मोनोमर है इसे हम आइसोप्रेन्स या आइसोप्रिनॉइड्स कहते हैं, इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का जो मोनोमर है उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो बाद में ना वो रिलेशन बेस भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें सीक्वेंस जो है ना वो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कौन सा मोनोमर है और उसका मिलने से कौन सा पॉलीमर बनेगा, कौन सा पॉलीमर है और उसके टूटने से कौन सा उसका मोनोमर जन्म लिया करता है, इन चीज़ों को ज़रा देखना पड़ता है सीक्वेंस के एतबार से। देन आगे हमारा जो कंसर्न है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि पानी जो है ना उसकी अहमियत किस किस लिहाज से हमारे लिए है। वैसे तो पानी जो है ना वो इंडस्ट्रियली भी अहम है, इंडस्ट्रियली पानी जो है वो एग्रीकल्चर के एतबार से भी अहम है, लेकिन हमने यहाँ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखनी है। तो इस बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अंदर पानी जो है ना ये मीडियम ऑफ लाइफ है, मोस्ट अबंडेंट, अभी हम बात भी करके आए, कंपाउंड ऑन द अर्थ एज वेल एज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम कॉम्पोजिशन के अंदर ऑलमोस्ट है, सेम परसेंटेज के अंदर 60% 70%, यहाँ एक रेंज भी बताई गई 65 to 89% हमारी बुक के अंदर, PTB की बुक के अंदर। देन अप्रॉक्सीमेटली 70% इसका एक एवरेज बताया गया, लेस देन 20% इट इज़ प्रेजेंट इन द बोन सेल्स, और फेडरल की बुक के अंदर साथ में फेडरल और KPK के अंदर इसको सीड सेल्स के साथ भी यहाँ इजाफी इंफॉर्मेशन बताई गई। देन 10% अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी रह जाए, लास्ट टाइम आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मजमूए को कहते हैं, तो वहाँ प्रोटोप्लाज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये KPK की इंफॉर्मेशन है। देन हाईएस्ट इन द ब्रेन सेल्स अबाउट 85%, जबकि फेडरल के अंदर इसे 85 to 90% जो है ना यहाँ तक भी देखा गया है। 99% इन द जेलीफिश, सबसे ज़्यादा अगर किसी जानदार में है तो जेलीफिश में है, तभी ये ट्रांसपेरेंट होती है।
मीडियम फॉर सेलुलर रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस अभी हम पढ़ के आए कि इट यूजेस द वाटर आल्सो रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। देन नेक्स्ट कंसर्न हम देखते हैं इसके यहाँ पर, इन नेक्स्ट कंसर्न्स के अंदर यहाँ पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बेसिकली। अच्छा, इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे अगर इसकी इस पानी की इस प्रॉपर्टी को देखा जाए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के नाते इसमें जो अहम चीज़ है ना वो पोलैरिटी है। ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, स्लाइट सिंगल स्लाइट नेगेटिव जो है ना चार्ज पानी में है और टू स्लाइट पॉजिटिव चार्ज पानी के अंदर हैं जो कि एच पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की फॉर्म में। जो चीज़ें पानी में हल हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें आयनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो चार्जेस रखते हैं। देन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि पानी में हल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी पोलैरिटी लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसर्न यहाँ पे शो होगा। देन इनसॉल्युबल वो चीज़ें हैं जो कि नॉन पोलर होती हैं, जो पानी में हल नहीं हुआ करती, पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं शो करती, और ये भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनका काम स्ट्रक्चर्स को जनरेट करना है। देन मीडियम ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो मीडियम ऑफ लाइफ आयनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड ग्रुप्स, तो ये भी पानी में हल हो जाते हैं। इस वजह से ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस इन द सेल अकर इन द एक्वस मीडियम, और लाइफ बेसिकली रिएक्शंस का ही तो मजमूआ है, तो तमाम के तमाम रिएक्शंस जो है ना वो पानी के अंदर ही हो रहे होते हैं, तो पानी के अंदर ही होने हैं, और पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर अवेलेबल भी है, तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है रिएक्शंस में, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी कर रहा होता है। एंजाइम्स को काम करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए, तो इस लिहाज से पानी जो है ना वो मीडियम ऑफ लाइफ है। फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में मिनिमम यानी कि 1 डिग्री राइज करने के लिए पानी है, उसका 1 ग्राम हमने लिया और उस 1 ग्राम को हमने 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज करना है। सिर्फ यहाँ एक उसने कंपलिशन लगा दी बुक ने 15 to 16 degrees Celsius, नाम भी सही, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी चूँकि बेहतरीन है इसलिए यहाँ अगर हम पानी जो है ना उसको गर्म करते हैं तो 15 to 16 degrees Celsius तक ले जाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी किसी भी सब्सटेंस की। तो पानी की भी ये हीट कैपेसिटी है, और ये पानी की हीट कैपेसिटी जो है इसकी वैल्यू 1 कैलोरीज है, दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा है ऑलमोस्ट। आप देख लें, धूप के अंदर पानी रख लें, लोहा रख लें, मिट्टी रख लें, मार्बल रख लें, कोई भी चीज़ आप रख लें, तो वो हर चीज़ जल्दी गर्म होगी जबकि पानी देर से गर्म होगा। यही लाइफ को मेंटेन करने के लिए, थर्मल चेंजेस को रेजिस्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो ये हीट कैपेसिटी है, पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा हीट कैपेसिटी की बड़ी वजह जो है ना पानी के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये वही बात को यहाँ पे एनालाइज किया गया कि बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर, तो वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर देगा और बहुत कम जो है ना वो अपने टेम्परेचर में वेरिएशन या राइज या डिक्रीज जो है ना वो शो करेगा। तो वोलाटाइल नहीं है, ये नहीं है कि थोड़ी सी हीट गर्म जज़ब की सर्दी गर्मी गर्मी के अंदर, और सर्दी के अंदर हम बाहर लोहा जो है ना रात में रख दें सर्दी के अंदर, तो यकदम यख इंतहाई यख ठंडा हो जाता है जबकि पानी इतनी जल्दी से ठंडा नहीं हुआ करता। तो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ना होम्योस्टेसिस के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी था, थर्मल वेरिएशंस को जो है ना कोप करना ज़रूरी था। पानी इसी थर्मल वेरिएशंस का मुकाबला करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्यों? क्योंकि पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ज़्यादातर एनर्जी जो है ना इन्हीं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए पानी को हम टेम्परेचर स्टेबलाइज़र कहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने पानी को दुनिया के अंदर भी ज़्यादा सारा रखा है ताकि टेम्परेचर के अंदर खामखा ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो वेरिएशंस ना आए, ताकि लाइफ को मेंटेन किया जा सके। देन हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड्स का
गैस के अंदर कन्वर्ट होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना, और उसके लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड, 1 ग्राम वेपराइज करने में जो कैलोरीज दरकार होती हैं, जो कि यहाँ दो तरीक़ों से बताई गई हैं, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम या कैलोरीज पर ग्राम, दोनों यूनिट्स को हम बराबर रखेंगे, बुक्स में दोनों अवेलेबल हैं, तो आप इसी सेंस में इस बात को सामने रखेंगे। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगेन यहाँ पे किरदार है, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए पानी बड़ी देर से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। अब यही जो कंसर्न है ना, डेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, पानी थोड़ा सा हीटअप होगा, पानी थोड़ा सा जो है ना वेपोरेट होगा, लेकिन इस दौरान बहुत सारी हीट जो है ना वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी, और यही गर्मी के अंदर जानदार का मेजर कंसर्न होता है। और वेपराइजेशन से मज़ीद साथ में कूलिंग इफ़ेक्ट भी आता है, जो कि जानदार के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ बताया भी गया कि वेपोरेशन ऑफ जस्ट 2 ml ऑफ 1000 ml, 1 लीटर से 2 ml उड़ भी जाए तो बाकी जो 998 ml बचता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बात है और ज़्यादा अहम बात है। केमिस्ट्री में आपने इसको डिफरेंट एंगल्स के साथ ऑब्जर्व भी किया हुआ है। देन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी इटसेल्फ आयोनाइज होता है, माना कि बहुत कम होता है, 10^-7 mol/L, ये रूम टेम्परेचर पे प्योर फॉर्म में पानी के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसनट्रेशन है, बहुत कम, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा। लेकिन बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर पानी की मौजूदगी में रिएक्शंस को क्रिएट करवाने में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस को मेंटेन करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पानी आयोनाइज होता है, सेल्फ आयोनाइज होता है, बहुत थोड़ा होता है लेकिन होता है। प्रोटेक्शन, पानी प्रोटेक्शन कैसे देता है बॉडी को, एक तो इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट है जिसकी वजह से ऑर्गन्स के दरमियान फ्रिक्शन मिनिमम हो जाती है। अच्छा, फिर आगे यही सेकंड पॉइंट में भी उसी फ्रिक्शन के हवाले से बात की गई है, इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। देन टीयर्स की बात की गई है कि आईलिड्स को फ्रिक्शन से बचाते हैं। फिर ये कुशन के तौर पे भी काम करता है, डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जहाँ पानी का लेयर पाया जाता है, जैसे हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियल फ्लूइड है, शॉक एब्जॉर्बर, ब्रेन के इर्द गिर्द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यहाँ प्लीवरल फ्लूइड है जो कि लंग्स के बाहर पाया जाता है। तो ये पानी का काम प्रोटेक्शन करना भी है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी और लुब्रिकेंट के तौर पे भी। देन पानी की एक प्रॉपर्टी है जी, कोहिजन एंड एडहीजन। अब उसका यहाँ पे क्या कंसर्न है, प्रॉपर्टी तो है, हम जानते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोहिसिव फोर्सेस रखते हैं, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स की एक चेन बनती है और एडहियर भी करते हैं, पोलर सरफेस के साथ ये अट्रैक्ट भी करते हैं, उसके साथ चिपक भी जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि पानी जो है ना, इस वजह से जो ट्यूबुलर वेसल्स हैं उन वेसल्स के अंदर ये सर्कुलेट हो सकता है। जैसे हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इसके बगैर, इस एबिलिटी के बगैर काम नहीं कर सकता था। जाइलम वेसल्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोहिजन टेंशन थ्योरी बेस ही इसी बात पे करती है, टेंशन के साथ साथ, तो ये इसकी प्रॉपर्टी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेशन पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या तो किसी में ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसका हम हाइड्रोलिसिस करें वो भी पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ही बन जाए तो उसे भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। कंपोजिशन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ अहम बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वही रेशो है जो कि पानी के अंदर पाई जाती है, 2:1, यही वजह है कि हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं या फेडरल के अंदर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो CH2O Y, X इज़ द होल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 3 to many thousands, अहम बात है, अहम कंसर्न है, और वाई में भी सेम और डिफरेंट। मोनोसेक्राइड्स में याद रखिएगा X और Y बराबर होते हैं, एक के अलावा
डीऑक्सीराइबोज के अलावा, वगरना बाकी सारे मोनोसेक्राइड्स में एक्स और वाई बराबर होते हैं। ओलिगो और पॉलीसेक्राइड में एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर नहीं होते। सोर्सेज इसके ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उसकी वजह कि ये फोटोसिंथेसिस के डायरेक्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है यानी कि ग्रीन पार्ट है, वहाँ वहाँ ये पाया जाता है, वहाँ वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे। तो ये कंसर्न है इसके सोर्सेज के हवाले से। देन आगे कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की गई हैं कि अक्रेंस अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन नेचर ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेचर में फ्री स्टेट में ये कम अवेलेबल हैं, जानदार के अंदर ये फ्री स्टेट में ज़्यादा अवेलेबल हैं, ये कंबाइंड स्टेट के अंदर ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो स्ट्रक्चरल रोल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल लाइक सेलुलोज, लाइक फंजाई के अंदर काइटन वो भी यही है, पेप्टिडोग्लाइकन वो भी यही है, फिर रॉ मटेरियल है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के लिए, तो जैसे ग्लाइकोजन बनना है तो उसके लिए, जैसे प्रोटीन्स बनने हैं वो भी यहीं से बनेंगे, रॉ मटेरियल है। देन ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देन फंक्शनल रोल क्या है इसका, कि ये सोर्स ऑफ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, याद रखिएगा। सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ली जाएगी, नहीं अवेलेबल तो लिपिड से, नहीं अवेलेबल तो प्रोटीन से। अबंडेंस की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स में है, उससे कम प्रोटीन्स में है, उससे कम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है। तो ये कुछ दो जो है ना सिक्वेंसेस हैं। तो इमीडिएट सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देन लिपिड्स हैं, देन प्रोटीन्स, एंड पे प्रोटीन से ली जाएगी। ये एग्जांपल्स हैं, कुछ सेलुलोज ऑफ वुड है, कॉटन है, पेपर है, ये बाकी चीज़ें हैं, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बयान की गई हैं। अच्छा जी, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो लफ्ज़ है ना, कॉल्ड सैकेराइड्स, जो कि डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, यूनानी लफ्ज़ जो है ना उससे लिया गया, सैकरॉन पीडीबी के अंदर, देन सैकरम इन द केपीके मीनिंग शुगर, दोनों का मतलब एक ही है। बाहर अल्फाज दोनों थोड़े से मुख्तलिफ हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर सब यूनिट्स, शुगर सब यूनिट्स की बुनियाद पे इनको क्लासीफाई किया जाता है कि इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि मोनोसेक्राइड जिसके अंदर सिंगल शुगर सब यूनिट, ओलिगोसेक्राइड 2 to 10, और पॉलीसेक्राइड जिसमें 10 से ज़्यादा और हज़ारों की तादाद में होते हैं। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स हैं, जबकि ओलिगोसेक्राइड ज़रा, क्योंकि 2 से 10 है ना इसके अंदर, कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स या कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स, जबकि पॉलीसेक्राइड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्वीट इन टेस्ट होते हैं मोनोसेक्राइड, लेस स्वीट इन टेस्ट हैं, जैसे आप चीनी और ग्लूकोज का कंपैरिजन कर सकते हैं घर के अंदर, तो ग्लूकोज जो है ना वो ज़्यादा मिठास रखता है, जबकि पॉलीसेक्राइड टेस्ट लेस होते हैं। स्टार्च को आप देख लें, सबसे कॉमनली निशास्ता जो है ना हमारे आसपास कपड़ों को लगाने वाली कलफ जो है। अच्छा जी, आगे मोनोसेक्राइड्स में कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता क्योंकि यूनिट ही एक है, जबकि ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पॉलीसेक्राइड में भी पाए जाते हैं, क्योंकि दो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक होता है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बाकी दोनों जो है ना उनको देखा गया है कि वो हाइड्रोलाइज होते हैं। ईजिली सॉलूबल इन वाटर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड लेस सॉलूबल, देन पॉलीसेक्राइड ये जनरली इनसॉल्यूबल, या आप कह लेंगे स्पैरिंगली कंडीशनली सॉल्युबल होते हैं। देन आगे ग्लूकोज फ्रक्टोज कॉमन एग्जांपल्स हैं, सुक्रोज माल्टोज आर कॉमन एग्जांपल्स, इवन लैक्टोज, देन स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज आर कॉमन एग्जांपल्स। ये कुछ यहाँ पे एक जनरल सा एक परसेप्शन हमने डेवलप किया था। देन मोनोसेक्राइड्स हैविंग ओनली वन सिंगल शुगर सब यूनिट, दे आर जस्ट पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो हाइड्रोलिसिस की बात आएगी ही नहीं। एक कार्बन के अलावा सभी पर हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, और वो जो एक कार्बन है वो या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगा। जनरल फार्मूला इनका CH2O होल एन,
यहाँ एन की वैल्यू, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, 3 to many thousand, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन आती है कि जो नेचर के अंदर जनरल मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें कार्बन एन की वैल्यू जो है ना वो 3 to 7 होती है। हम यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजन से बचना है ज़रा। मोनोसेक्राइड्स आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर, जो दूसरे की रिडक्शन करती हैं, एंड फाउंड इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, एल्डो फॉर्म वी हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, कीटो फॉर्म हैविंग द कीटोनिक ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, उसे हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। ये जो कुछ मोनोसेक्राइड्स हैं जो 7 जो नेचर के अंदर अवेलेबल हैं उनकी बात की गई है। देखिएगा ज़रा यहाँ पर कि ट्राइओज, ट्रायटीन ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, जनरल फार्मूला C3H6O3। इसकी एल्डो फॉर्म का नाम ग्लाइसर एल्डिहाइड, आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इवन केल्विन साइकिल के दौरान। और इसकी कीटो फॉर्म का नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, यही बातें यहाँ लिखी गई। देन टेट्रोज लेस अवेलेबल इन नेचर हैं, रेयर हैं, कुछ बैक्टीरिया में आपकी बुक कहती है, तो C4H8O4। एरिथ्रोज एल्डो फॉर्म है और एरिथ्रूलोज कीटो फॉर्म है, कीटोनिक ग्रुप लगेगा। रेयर इन नेचर, इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, उसके बाद आगे पेंटोज, ये इसका फॉर्मूला C5H10O5। लेकिन राइबोज को आप देखें ना, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए के अंदर पाया जाता है, यहाँ O4 है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदार बराबर नहीं है। एन जो है ना वो एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है। और रिबुलोज, रिबुलोज जो है ना ये आपने पढ़ा केल्विन साइकिल के अंदर, जहाँ से शुरू होता है ना रिबुलोज बिसफॉस्फेट RuBP, तो वो RU जो है ना वो इसी रिबुलोज के लिए है। देन हेक्सोज, हेक्सोज ये बेसिकली कार्बन वाले C6H12O6। ग्लूकोज इसकी एल्डो फॉर्म मशहूर जो है, फ्रक्टोज इसकी कीटो फॉर्म मशहूर जो है, ठीक है। तो दोनों रेस्पायरेशन में और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में, फ्रक्टोज रेस्पायरेशन में कहाँ है, ग्लाइकोलाइसिस में, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के तौर पे, जबकि ग्लूकोज रेस्पायरेटरी फ्यूल है। देन हेप्टोज 7 कार्बन, C7H14O7। अच्छा जी, ग्लूकोहेप्टोज एल्डो फॉर्म, सीडोहेप्टुलोज डेट इज़ बेसिकली द कीटो फॉर्म, इंटरमीडिएट इन द फोटोसिंथेसिस। हमारे सिलेबस में मतलब इसका हेप्टोज का तो बिल्कुल ही कंसर्न नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक के अंदर ना ये लिखा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे फोकस रहे आपका। देन ये ट्रायोज के बारे में बात की गई, तो ये ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जो कि टर्मिनल पे है, सिरे पे है। इसी तरह यहाँ देखिएगा ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप आप जानते हैं कार्बोनाइल के साथ साथ दोनों साइड पे एक एक कार्बन का होना ज़रूरी है, तो इस तरह से ये कीटोनिक ग्रुप। देन यहाँ पेंटोज की बात की गई है और हेक्सोज की बात की गई है, तो ये पेंटोज 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल लगा हुआ है यहाँ पे, तो एल्डो फॉर्म हो गई यहाँ ये इनिशियली। अच्छा ये देखिएगा ये रिबुलोज के अंदर, यहाँ पे इसकी ये कीटो फॉर्म है इन दिस वे। अच्छा यहाँ ये हेक्सोज है, ये इसकी एल्डो फॉर्म है, एल्डो फॉर्म है। यहाँ सारे जो है ना वो इधर OH लगा रहे हैं, थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप से तीसरे कार्बन पे OH रिप्लेस करेगा, जितने भी ईडिबल हेक्सोजेस होते हैं, ईडिबल ये ना कंपल्शन है, ईडिबल बहुत सारे हेक्सोजेस ईडिबल नहीं हैं जानवरों के लिए, तो वहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पे रिप्लेस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ईडिबल हैं हेक्सोजेस वहाँ पे रिप्लेस होना ज़रूरी है, कंपल्शन है। तो वही बात यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर दिखाई गई, फ्रक्टोज में भी होगा ये। ये जो रिप्लेसमेंट है ना ये हेक्सोजेस के बाद आती है, हेक्सोजेस से पहले ये रिप्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अच्छा जी यहाँ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आ गई है, अब ये देखिएगा कि रिंग ऑफ पेंटोज, यहाँ देखिएगा राइबोसिस एंड पेंटोसिस, यहाँ हम अगर ये कहेंगे पेंटोसिस एंड हेक्सोजेस, ये बेसिकली कंसर्न होना था, पेंटोसिस एंड हेक्सोजेस फॉर्म रिंग इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ अहम बात जो है ना, पेंटोज
और हेग्जोज, ये रिंग बनाते हैं सोल्यूशन के अंदर। अच्छा जी, जो पेंटोज का रिंग है ना, ये 5 कॉर्नर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच नुकरे हैं, पांच कार्बन की बात नहीं की जा रही। ऐसे रिंग को हम कहते हैं फ्यूरानोज, फ्यूरन, अ 5 कॉर्नर्ड रिंग कॉल्ड फ्यूरन, ये फ्यूरन लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि यहाँ देखिएगा, इस रिंग में 6 कॉर्नर हैं, ऑक्सीजन वाला एक है, बाकी 5 कार्बन वाले रिंग मौजूद, कॉर्नर नुकरे मौजूद हैं। ऐसे रिंग को हम पायरन कहते हैं, पायरन। तो एक कार्बन यहाँ भी रिंग से बाहर है, एक कार्बन यहाँ भी रिंग से बाहर है। तो फ्यूरन 4 रिंग 4 कॉर्नर्ड और पायरन 6 कॉर्नर्ड। अच्छा, रिंग के अंदर 4 कार्बन हैं, फ्यूरन वाले रिंग के अंदर 1, 2, 3, 4, और जबकि पायरन वाले रिंग के अंदर 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ यहाँ पे कंसर्न जो है ना वो बताया गया, इसे देखिएगा। देन आगे यहाँ ना हमें एक और चीज़ से पता पड़ेगा, वो जी अल्फा। अगर रिंग में कार्बन नंबर 1 पे, रिंग में स्पेशली देखिएगा, ये रिंग के अंदर ये है कार्बन नंबर 1, ये वाला, ये वाला, यहाँ भी ये है कार्बन नंबर 1। अगर रिंग में कार्बन नंबर 1 पे ओ एच आई डाउनवर्ड, ओ एच आई डाउनवर्ड, इसे हम कहेंगे अल्फा। और अगर रिंग में कार्बन नंबर 1 पे, ये ज़रूरी है कार्बन नंबर 1 पे ओ एच आई अपवर्ड, तो इसे हम बीटा कहते हैं। ये अल्फा और बीटा का एक कंसर्न है, इसको ज़रा बॉदर कीजिएगा, देखिएगा। देन डी एंड एल, डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लीवो। और जो अहम चीज़ वो ये कि डी जो है ना, ये राइट हैंडेड हैं, दाएं हाथ वाले हैं, और एल जो है ना, ये लेफ्ट हैंडेड हैं, बाएं हाथ वाले हैं। डी एंड एल बेसिकली ये मिरर इमेज के लिए टर्म इस्तेमाल होती है, राइट हैंडेड शुगर एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर, मिरर इमेज के लिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मोनोसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बेसिकली सारे डी वाले हैं। हमारी बॉडी एल, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड स्वीटनर है ना, जैसे ये शुगर के मरीजों को दिया जाता है, वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। ये एल शुगर्स होते हैं, और ये एल शुगर्स जो हैं, ये हमारी बॉडी इन पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमें मिठास ज़रूर लगती है, लेकिन ये खून में ग्लूकोज का लेवल राइज नहीं करते। हाँ, इसके और हैजर्ड्स भी हैं, तो हमारी बॉडी इन पर रिस्पॉन्स नहीं करती, ये मिरर इमेज होते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ ये देखिए, ये है जी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1। अच्छा, एक तो कार्बन नंबर 1 पे ओ एच ऊपर है और एच नीचे है, तो इसलिए हम इसे बीटा कहेंगे। यहाँ भी ये है कार्बन नंबर 1, जैसे आप शीशे के साथ बैठे ना, तो बिल्कुल ये दरमियान में यहाँ मिरर रखा हुआ है, इस तरह से मिरर रखा। तो यहाँ तो ये राइट हैंडेड यहाँ से घूम के जा रहा है, इन दिस वे, इन दिस वे, ये ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है, ऐसे इधर को घूम रहा है, ठीक है, और ये जो है ये इधर को घूम रहा है, इन दिस वे। तो डी एंड एल मिरर इमेज है बेसिकली, ये शीशा रखा, आप शीशे के साथ लग के बैठेंगे ना, आपका राइट बाजू जो है वो अगर शीशे के साथ है, तो लेफ्ट आर्म जो है ना शीशे से दूर है, तो इसी तरह शीशे के अंदर भी आपका लेफ्ट आर्म शीशे में दूर वाली साइड पे ही आपको नजर आएगा। तो इसे हम बीटा एंड सॉरी डी एंड एल, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कहा करते हैं। तो ये कुछ कंसर्न था। देन फीचर्स ऑफ ग्लूकोज, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आ गई इसके अंदर, कि ये ना फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट कंबाइंड नहीं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, फ्री स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ग्रेप्स, फिग, अंजीर और डेट्स, खजूरों के अंदर पाया जाता है। यहाँ ग्रेप्स में केपीके बुक ने यहाँ इसकी स्पेशल कंसंट्रेशन भी दी है, 27%। हमारी बॉडी के अंदर खून में 0.08, क्योंकि ये फ्यूल है बेसिकली ना, तो 0.08% ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज में होता है।
देन कंबाइंड फॉर्म में डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड फोटोसिंथेसिस के दौरान 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाते हुए 717.6 किलो कैलोरीज एनर्जी स्टोर होती है और इसको तोड़ते हुए इतनी एनर्जी यहाँ से निकला करती है। देन रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन सी हैं। रिड्यूसिंग में तमाम मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड के अंदर माल्टोज और लैक्टोज, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज जो रह गया वहाँ से डाइसेक्राइड से और तमाम पॉलीसेक्राइड, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। देन ओलिगोसेक्राइड्स विच कंटेन 2 to 10 मोनो शुगर सब यूनिट्स या मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स। यहाँ कैटेगरीज देखिएगा, डाइसेक्राइड 2 अगर शुगर हैं, ट्राइसेक्राइड 3 अगर शुगर हैं, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, इसी तरह से 10 तक चलेगा। इसमें से जो सबसे कॉमन डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड्स हैं ना, वो डाइसेक्राइड्स हैं। यहाँ डाइसेक्राइड्स को देखिएगा ज़रा कि डाइसेक्राइड्स जो हैं 2 शुगर सब यूनिट्स, या दो बातें फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट आर, और डाइसेक्राइड में जो फिजियोलॉजिकली सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जानदारों की बॉडीज़ के अंदर फंक्शनिंग के एतबार से, वो माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। अच्छा, फिर आगे माल्टोज, जिसे माल्ट शुगर भी कहते हैं, जनरली इन द जर्मिनेटिंग सीड्स, इसके दरमियान जो बॉन्ड होगा ना दो ग्लूकोज के दरमियान, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ अल्फा ग्लूकोजेज, इसमें जो ग्लूकोज ही जुड़ते हैं आपस में और दो ग्लूकोजेज के दरमियान बॉन्ड बनेगा, क्योंकि माल्टोज इज बेसिकली द ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो यहाँ अल्फा ग्लूकोज होंगे और इनके दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। लैक्टोज मिल्क शुगर, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, बीटा अल्फा वाला नहीं होगा, बीटा वाला होगा, ठीक है, और होगा भी किसके दरमियान, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गलैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज में ग्लूकोज और गलैक्टोज होते हैं। देन सुक्रोज केन शुगर मोस्ट फैमिलियर है, ये देखिए ये एक अगली अहम बात है कि डाइसेक्राइड में जो सबसे फेमिलियर है जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, तो ये सुक्रोज है। इसमें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान, ये एक यहाँ पे एनालिसिस दिया गया। देन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान है, ये है जी वो 1 और 2, ये ग्लूकोज का 1 फ्रक्टोज का 2, इनके दरमियान जो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बना। देन पॉलीसेक्राइड्स मोर देन 10 शुगर सब यूनिट्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा जी मोस्ट अबंडेंट जिसे हम कहते हैं, यूजुअली ब्रांच्ड होते हैं। अच्छा, ये ना होमो पॉलीसेक्राइड भी होते हैं, हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। होमो जिसमें जो मोनोमर्स हैं ना वो एक ही किस्म का होगा, हेट्रो जिसमें मोनोमर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इनके एग्जांपल जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटन है, जबकि हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स में एगर पेक्टिन पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी आगे स्टार्च फाउंड इन फ्रूट्स ग्रेन सीड्स एंड ट्यूबर्स, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल, ये बुक की लाइन है, और मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, अगर प्रेपोजिशन चेंज कर देता है एग्जामिनर तो यहाँ जो है ना कंसर्न चेंज हो जाएगा, तो इस लिहाज से बड़ा की सेंटेंस है ये। प्रीलिमिनरी इसका टेस्ट है, गिव ब्लू कलर विद द आयोडीन। देन आगे इसकी दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टन। तो अमाइलोज स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज है, अमाइलोपेक्टन ब्रांच्ड चेन है। अमाइलोज में 1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अमाइलोपेक्टन में ज़ाहिर ही बात है स्ट्रेट चेन बनाने के लिए अल्फ़ा 1,4 तो होगा ही, साथ में ब्रांच बनाने के लिए अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाएगा। अमाइलोज आर सोलबल इन हॉट वाटर, जबकि ये इनसॉलुबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। देन ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी कहते हैं इसे। देन चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल्स। देन फाउंड अबंडेंटली इन लिवर एंड मसल, और पहली बार डिस्कवर भी वहीं से हुए थे। इनसॉलुबल इन वाटर, हाईली ब्रांच्ड है, रेड कलर विद आयोडीन, प्रीलिमिनरी टेस्ट है इसका, और अल्फा 1,4 लिंकेज तो होना ही होना है चेन बनाने के लिए, साथ में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चेन बनाने के लिए यहाँ भी देखने को मिलेगा। देन सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, इसमें साथ में कॉटन एंड पेपर,
ये पेपर फेडरल बुक के अंदर लिखा गया है, आर प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल, हाईली इंसॉल्युबल क्योंकि ये मेगा मॉलिक्यूल है, बीटा ग्लूकोजेस कंबाइन करते हैं और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनाते हैं जिसको हमारे आम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि एमाइलेजेस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए फिर हर्बीवोर्स में क्या होगा, हर्बीवोर्स के अंदर यहाँ बैक्टीरिया उनके मैदे में यीस्ट और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम देते हैं, बदले में रहाइश वगैरह लेते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, नो कलर विद द आयोडीन। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ये डाइजेस्ट नहीं होते, तो इसका फ़ायदा ये होता है, ये डाइटरी फाइबर्स आमतौर पर कहलाते हैं, तो प्रिवेंट द एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड एबनॉर्मली एब्जॉर्ब ना हो, प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, तो उस लिहाज से ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू।